वहीं दूसरी ओर नगर निगम के सफाई ठेका कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर निगम मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के प्रदर्शन के मद्देनजर मुख्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया था। इस दौरान निगम आना जाना कर रहे लोगों को काफी समय तक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर निगम मुख्यालय में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते ये हैं नगर निगम के सफाई ठेका कर्मचारी, जो निगम के सभी जोन कार्यालयों से मुख्यालय में एकत्र हुए हैं और प्रदर्शन नारेबाजी के जरिए अपनी मांगों को निगम अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी प्रमुख मांगों में वेतन भुगतान, ESI PF की जानकारी देने बाबत शामिल है। अनियमित वेतन भुगतान और कुछ कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश है। सभी कर्मचारी नेतृत्वकर्ताओं की अगुवाई में निगम मुख्यालय के द्वार के समीप बैठे रहे। इस दौरान मुख्यालय का द्वार पूरी तरह से बंद रहा, जिससे नगर निगम कार्यालय आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धरना प्रदर्शन की जानकारी कर्मचारी नेता जयप्रकाश नायर और कलादास डहरिया ने दी। देखिए, भिलाई नगर निगम के तमाम वार्डों में जो सफाई मजदूर काम करता है उनका वेतन लगातार PV रमन ठेकेदार द्वारा किसी भी महीने में समय पर नहीं दिया जाता। हर महीने में 20 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख तक वेतन मिलता है और ये जब से रमन ने ठेका ली है तब से ये सिलसिला चालू हुआ। इससे पहले भी रमन का ठेका था तो भी ये सिलसिला चालू था। पता नहीं किन कारणों से, किन राजनीतिक दबाव के कारण उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए निगम प्रशासन और तमाम जनप्रतिनिधि पीछे हटते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि सफाई मजदूरों का जुलाई माह का वेतन, जो जोन 2 में काम करने वाले मजदूर है, 50 से 60 मजदूर को जुलाई माह का वेतन नहीं है। रिसाली में भी इसका ठेका चलता है, रिसाली के वेतन 3 दिन पहले उन्होंने कर दिया। हमने ये सवाल खड़ा किया था, जब आपके पास बैलेंस वेतन मजदूरों का देना बचा था भिलाई नगर निगम का, तो उन मजदूरों का जुलाई का वेतन आपने पहले क्यों नहीं दिया, पूरा कंप्लीट करते। उसके बाद अगस्त महीने का वेतन, आज 19 तारीख हो गई है, अगर मान लो हम ये कदम नहीं उठाते हैं किसी प्रकार का, तो ये आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, अभी मेरे को पैसा मिलेगा, कल करूंगा, बल्कि वो एक जोन में वेतन आधे लोगों का करता है, फिर 2 दिन तरका देता है, फिर दूसरे जोन में आधे लोगों का करता है, फिर तरका देता है, ऐसा करके पूरे वेतन को कंप्लीट करते करते ये पूरा महीना बीत जाता है और ये इसकी परिपाटी में आ गया है। और दूसरी तरफ मजदूरों का जो PF की कटौती होती है उसकी कोई जानकारी मजदूरों को अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही, जब से ये ठेका लेता है। तीसरा, मजदूरों के ESI के मुद्दों को लेकर हम लोगों ने बकायदा बात की है कि मजदूर हमारा गरीब मजदूर है, अपने इलाज के लिए ESI के लिए जाएगा, आप हमारा पैसा काटते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 बड़ी एजेंसी है, PO पर ESI, उसके अंदर में जो घोटाले हैं, इन तमाम लोगों को लेकर लगातार हम लोग चर्चा बातचीत कर रहे हैं और आज जो है मजदूरों का गुस्सा फूटा है और मजदूरों ने वेतन की मांग को लेकर आज काम बंद किया है। अगर आज हमको वेतन को लेकर पूरा ठोस हमको बातचीत नहीं होगी, अगर वो बोलेगा कि आज शाम तक वेतन चले जाएगा तब तो मजदूर कल काम करेगा, अगर आज वेतन नहीं जाएगा, जब तक वेतन नहीं जाएगा कोई मजदूर भिलाई नगर निगम को किसी वार्ड में। असल में यहाँ पर सफाई कर्मी जो है नगर निगम के अंतर्गत बेसमेंट सफाई कर्मी है, उन सफाई कर्मियों को 2-2 माह से वेतन नहीं है, उनके PF में घोटाला, उनके ESI में घोटाला, तमाम तरीके की जो है वो एक व्यस्तता है और निगम का ठेकेदार और निगम ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो फिर प्लेसमेंट सफाई क्या कुल मिला के है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ठेकेदार के घर में जो कुत्ता है, अधिकारियों के घर में कुत्ता है, उनके लिए 30,000-40,000 खर्च किया जाता है, लेकिन जो प्लेसमेंट मजदूर रात दिन काम करता है उसको मुश्किल से 8,000-9,000 मिलता है, वो भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। हम इसलिए आए हैं कि इनका वेतन समय पर दिया जाए और समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। गौरतलब है कि काफी लंबे वक्त से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं, लेकिन मांगों को पूरा करने के आश्वासन के अलावा इनके हाथ कुछ नहीं लगा है, जिससे श्रमिकों का धैर्य भी अब जवाब देने लगा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।